जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ AKMM। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि देखो यार, हमारी जो ये वीडियो है इसको लाने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि दोबारा से ये गलती ना दोहराऊँ। प्लस अगर मैं बात करूँ आपकी इस वीडियो की, तो इसके अंदर मैं आपको प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखी हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उनको एक बार जाके देख लेना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो बस इतना यार, शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन, ये जो आपकी हाइपोथेसिस थी, प्रपोज किया गया था टीसी चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मॉर्टन द्वारा 1905 में। ये जो आपकी हाइपोथेसिस है, ये सिर्फ ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में ही नहीं बताती, प्लस आपका ये भी बताती कि जब हमारा अर्थ का ओरिजिन हो गया था, उसके बाद उसका विकास कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसमें एटमोस्फियर कहाँ से आया, उसमें बाकी सारी गैसेज कहाँ से आई, ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये सब भी आपकी ये हाइपोथेसिस बताती है। प्लस आपकी जो है ये हाइपोथेसिस है, ये ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ड्यूलिस्टिक। और इससे पहले एक और चीज, मैं आपको इससे पहले जो आपको हाइपोथेसिस पढ़ा चुका हूँ वो आपकी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होती है, मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपके बेसिकली वो सारे हाइपोथेसिस आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि आपका जो सारा क्या बोलते हैं प्लैनेट का ओरिजिन हुआ है वो किसी एक बॉडी से हुआ है। प्लस ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं कि आपके जो सारे प्लैनेट के ओरिजिन हुए हैं वो किसी दो बॉडी से हुए हैं। तो ये सिंपल था। अब बात करते हैं ये हाइपोथेसिस की क्या कहती है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इनिशियली देयर वेयर टू हेवनली बॉडीज या स्टार प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। पहले का नाम चैम्बरलिन ने दिया था प्रोटोसन, और दूसरे का नाम उन्होंने दिया था कंपेनियन स्टार या इंट्रूडिंग स्टार। जब आपका प्रोटोसन था वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना था, प्लस आपके वो बहुत ही ठंडे थे और सॉलिड थे। यहाँ छोटे पार्टिकल्स मतलब आप इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स ना समझ लेना, इसको आप एक सोलर सिस्टम के नजरिए से देखो तो छोटे पार्टिकल भी हम लोग के नजरिए से बहुत बड़े हो जाते हैं। प्लस आपका जो इंट्रूडिंग स्टार था, इसको स्मॉल पार्टिकल को आप एक तरह से कह सकते हैं, पृथ्वी को चार भाग में या पांच भाग में बांट दो, फिर उसको जो हिस्सा निकलेगा उतने स्मॉल पार्टिकल्स की बात यहाँ पे हो रही है। प्लस आपका जो क्या बोलते हैं इंट्रूडिंग स्टार था वो पहले से ही डेस्टिन था कि वो आपके प्रोटोसन के पास से ही गुजरेगा, और ये आपका जो इंट्रूडिंग स्टार था वो आपके साइज में बड़ा था प्रोटोसन के। तो हुआ यूं कि जब आपका इंट्रूडिंग स्टार का क्या बोलते हैं केम क्लोज टू द प्रोटोसन, इनफिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल जो थे आपके वेयर डिटैच्ड या रिमूव फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द प्रोटोसन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल और टाइडल फोर्स कह सकते हो एक्जर्टेड बाय इंट्रूडिंग स्टार। जो आपकी ये स्मॉल पार्टिकल डिटैच्ड हुए थे, इसे आपका प्लैनेट क्या बोलते हैं चैम्बरलिन ने प्लैनेटेसिमल नाम दिया था, और इसी बेस्ड बेसी के आधार पे आपका ये आपके हाइपोथेसिस का नाम पड़ा था प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। जो आपके डिटैच पार्टिकल थे ये आपके यूनिफॉर्म साइज के नहीं थे, इनमें से आपके कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे। दिज लार्ज प्लैनेटेसिमल, अब से इनको हम प्लैनेटेसिमल के नाम से बोलेंगे। तो ये जो आपके लार्ज प्लैनेटेसिमल थे वो आपका एक तरह से सेंटर का काम करेंगे, न्यूक्ली का काम करेंगे आपके जो बाद में प्लैनेट बनने वाले थे। और फिर यहाँ देखो एक चीज हुआ या क्या, कि सिंपल सपोज करो कि ये आपका क्या बोलते हैं प्रोटोसन है और ये आपका इंट्रूडिंग स्टार है। ये इसका काम क्या था, इसका सिंपली उन्होंने इसका सिंपली एक काम ये बताया कि ये जो आपका आए ये आएगा और इसके नजदीक और चला जाएगा। प्लस जब ये इसके नजदीक आता है कि ये अपना एक ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, ये आपका इंट्रूडिंग स्टार साइज में बड़ा रहता है, इसके इंट्रूडिंग इसके ऊपर पुल लगाता है, टाइडल फोर्स कह सकते हो लगाता है। तो आपके प्रोटोसन से इनफिनाइट नंबर में स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं डिटैच हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और जो जब रिमूव होते हैं ये अब इससे बाहर निकलते हैं। तो होता क्या है, ये तो आपका रहता है चलता जाता है, तो कुछ तो इसके साथ इसको फॉलो करके आपकी स्पेस में जाके वैनिश हो जाते हैं। प्लस आपके जो कुछ रह जाते हैं वो इसके प्रोटोसन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अट्रैक्ट होने लगते हैं और इसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। ठीक,
और जब होता ही है, जब ये घूमते रहते हैं तो उसमें से कुछ लार्ज प्लैनेटेस्मल रहते हैं और कुछ स्मॉल प्लैनेटेस्मल रहते हैं। अब जो ये जो प्लैनेटेस्मल डिस्टेंस हो रहते हैं, इनमें आपस में अट्रैक्शन लगता है। जो उसमें लार्ज प्लैनेटेस्मल रहते हैं वो स्मॉल वाले को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जब इनमें अट्रैक्शन होता है, क्या है कि वेजर अट्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है, वो आपस में जुड़ते जाएंगे और जब दस स्मॉल पार्टिकल वेयर एडेड टू द लार्ज प्लैनेटेस्मल एंड अल्टीमेटली दिस लार्ज प्लैनेटेस्मल ग्रू इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स ड्यू टू कंटिन्यूस एडिशन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लैनेटेस्मल। तो वह यूं कि जब वो एड जब वो जुड़ते गए और एक समय ऐसा, और जुड़ने की वजह से एक समय ऐसा है कि वो आपके प्लैनेट के फॉर्म में ग्रू कर गए, और जो आपके जो सेटेलाइट है हमारे सारे प्लैनेट के, वो भी आपकी सेम इसी रिपीटेशन प्रोसेस से बने थे। और आपका जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बाद में जो आपका प्रोटोसन था वो सिंपली आपका एक सन के रूप में बदल गया। तो ये थी आपकी बेसिकली चैम्बरलिन की हाइपोथेसिस क्या कहती थी। यहाँ से हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। देखो, अगर आप सिर्फ क्या बोलते हैं चैम्बरलिन की हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने आए थे, तो इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के पार्ट को स्किप कर सकते हो और सीधे आप इसके बाद इवोल्यूशन को, जब मैं करूँगा कि बताऊँगा इस हाइपोथेसिस की जो थी आपकी रिजेक्ट क्यों होगी, आप उस पार्ट पर चले जाना। नहीं तो अगर सिर्फ आप क्या बोलते हैं, अगर आप एक सविंदर सिंह की जो मैं बुक का ये बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उस बुक के जरिए पढ़ने आए हो, बुक के जरिए नहीं मतलब बुक को समझने आए हो, कि जब इसको आप पढ़ के जाओ, ये वीडियो देख के जाओ बुक पढ़ने तो आपको समझ में आ जाए, तो आप ये वीडियो देख रहे हो कि ये पार्ट जो है आपको बुक के अंदर दे रखा है। तो मेरा मेरा भी वही काम है आपको कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ या ऐसे पढ़ाऊँ कि आप जब बुक पढ़ने जाओ, बुक रीड करने जाओ, वो आपको सिंपल आराम एक बार में समझ में आ जाए, आपको दो रीडिंग में निकल जाए। देखो, मैं ये नहीं, ये यहाँ पे नहीं कहूँगा कि आप ये वीडियो देख के आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, बुक पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। देखो, एक दो रीडिंग तो आपको भाई देना पड़ेगा बुक पढ़ने, मेरा काम है बस आपको इजिली समझाना। तो अगर मैं बात करूँ इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की, तो चैम्बरलिन बेसिकली क्या बोलते हैं अर्थ के इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने में बेसिकली इनको तीन स्टेज में दे रखा है। पहला आपका आता है द पीरियड ऑफ प्लैनेटेसिमल एक्सेशन और द पीरियड ऑफ द प्रेजेंट शेप एंड साइज बाय द अर्थ। सेकेंड स्टेज आपका आता है द पीरियड ऑफ डोमिनेंट वोल्केनिज्म और द पीरियड ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर एंड द इवोल्यूशन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियन बेसिन। तीसरा आपका आता है द एक्चुअल जियोलॉजिकल पीरियड और द पीरियड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्ट्स एंड फॉल्ट माउंटेन इंटीरियर। फॉर्मेशन की स्पेलिंग गलत हो गई थी, आप सही कर लेना अगर नोट बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ये नहीं बताऊंगा या ये तो मैं नहीं कहूँगा भैया कि आप मेरे नोट्स कॉपी कर लेना या यहाँ से कॉपी कर लेना। इसको देखने के बाद आप जाना बुक रीड करना, फिर एक बार और दो रीडिंग तो कम से कम भाई देना बुक को, बुक रीड करना, उसके बाद भाई नोट्स बना लेना अपने बुक के अपने अकॉर्डिंग। अगर नहीं समझ आए फिर आप उधर से नोट्स देख सकते हैं कि मैंने किस हिसाब से आपके ये दे रखे हैं, उधर से फिर नोट्स बनाना। ठीक, तो बेसिकली इन तीन स्टेज में दे रखे थे। पहला स्टेज आपका आता है पीरियड ऑफ प्लैनेटेस्मल एक्सेशन। ये जो कहानी थी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से दोबारा बताने नहीं वाला। चैम्बरलिन मेंटेन दैट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द अर्थ देयर वॉज नो एटमोस्फियर, यानी जब हमारा अर्थ बना था उस समय अर्थ के पास खुद की एटमॉस्फेयर नहीं थी, पर जैसे जैसे हमारा अर्थ साइज में बढ़ता गया वो आपके एटमॉस्फेरिक मटेरियल एलिमेंट कैप्चर करता गया अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि उसके साइज की अर्थ के साइज के साथ बढ़ता जा रहा था। जब आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर आया था उसके बेसिकली जो जुड़ा था अपने अर्थ से, उसके बेसिकली चैम्बरलिन दो सोर्स बताया, एक तो एक्सटर्नल बताया और दूसरा भैया बताया इंटरनल सोर्स। जब का एक्सटर्नल सोर्स था उन्होंने कहा व्हेन द अर्थ ग्रू इन साइज इट बिकेम सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग प्री एटमॉस्फेरिक मटेरियल, प्री एक्सपायरिंग मटेरियल एंड मॉलिक्यूल। तो सिंपल सी बात है, जब अर्थ साइज बढ़ता गया वो बाहर से अपने मतलब आपके क्या बोलते हो सोलर सिस्टम से आपके कैप्चर करता गया, कोई स्पेस से कैप्चर करता गया एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल। और दूसरा आपका था इंटरनल सोर्स, जहाँ से चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, वाटर वेपर हो गई, आपकी नाइट्रोजन गैस हो गई और आपके ऑक्सीजन भी हो गई, वो आपकी इंटरनल सोर्स से आए। इंटरनल सोर्स का कहने का मतलब ये हो गया कि जब आपके जो प्लैनेटेसिमल थे उनके अंदर कुछ पहले से गैस थी, मतलब इनका ये गैस कहाँ से आई उन्होंने कहा, तो उसके अंदर पहले से गैस थी
प्लस आपकी जब आपस में जुड़ रहे थे उनके बीच में कई गैस फंस गई, गैस फंस गई थी, मतलब आपस में जब जुड़ रहे थे तो उनके बीच में छोटे छोटे स्पेस जो थे उनमें कुछ गैस फंस गई थी। फिर जब हमारा अर्थ का ओरिजिन हो इवोल्यूशन हो रहा था, तो जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और या फिजर इरप्शन आप कर सकते हुआ, तो उसके जरिए आपके जो गैस फंसी हुई थी उसके अंदर चट्टानों के अंदर चट्टानों के बीच में वो आपकी बाहर आई, और वहीं से आपके सारे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर आया। ठीक, प्लस आपका अब बात आती है ओरिजिन ऑफ हीट, द हीट जो कि अपने जान जैसा कि हम सब जानते होंगे, आपके आधे ज्यादा लोग जानते होंगे कि हमारा जो अर्थ बीच का एरिया है वो बहुत ही गर्म है, तो वही वही हीट का एक्सप्लेन करना चाहते हैं चैम्बरलेन। उन्होंने बेसिकली तीन बताया था सोर्सेज कि वो हीट जो जनरेट हुआ था उसके पॉसिबल सोर्सेज तीन बताया था। हीट वॉज जनरेटेड ड्यू टू म्यूचुअल कोलिजन ऑफ प्लैनेटेसिमल ड्यूरिंग द फेज ऑफ देयर एक्टिव एग्रीगेशन, यानी उनके जुड़ते समय उनमें जो प्लैनेटेसिमल जब जुड़ रहे थे आपस में तो उनके बीच जो टकराए वो तो फ्रिक्शन जनरेट हुआ होगा और उस वजह से आपका हीट जनरेट हुआ होगा। प्लस आपका जैसे जैसे एग्रीगेशन बढ़ता जा रहा था तो आपका जो प्रेशर था उनके बीच में, आप मान लीजिए बीच में आपका लार्ज प्लैनेटेसिमल हो गया, फिर आपको जो जुड़ते जा रहे थे तो उनमें दबाव बढ़ता गया। जब जब दबाव जैसा जानते हैं आप बढ़ता जाता है, प्रेशर ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज, जब प्रेशर बढ़ा और विद द रिजल्ट आपका जो हीट था वो भी बढ़ता गया उसी वजह से। फिर ड्यू टू इंटेंसिव प्रेशर और सुपर इनकम्पनडेंट हो, जैसा कि आप जानते हो कि जो प्रेशर जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के प्लस आपका मेल्टिंग पॉइंट के। अभी इसको छोड़ दो, अभी इस प्रेशर और टेम्परेचर को ध्यान दो, यानी जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया तो टेम्परेचर भी राइज होता गया, तो उसकी वजह से आपके अर्थ के सेंटर में हीट जनरेट हुआ। अभी बीच में सवाल आता है यहाँ पे, जब भैया उसका टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो आपके वो क्या बोलते हैं जो आपके प्लैनेटेसिमल थे वो पिघल क्यों नहीं गए, या कुछ और फॉर्म में स्टेट में चेंज क्यों नहीं होगा। तो उसका उन्होंने बताया कि जब जानते हैं जब प्रेशर बढ़ता है तो उसके साथ साथ आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, यानी उस पत्थर की पिघलने की जो पॉइंट होता है वो भी ज्यादा बढ़ता है, तो इस कारण इस वजह से वो क्या बोलते हैं आपके पिघले नहीं, और जब पिघल गए वो भैया लावा के शेप में आ गया, लावा ग्रुप फिर आपके वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू आपके बाहर आ गया, उससे आपकी सारी गैस बनी। फिर दूसरा था आपका पीरियड ऑफ डोमिनेंट वोल्केनिज्म, द वोल्केनिक इरप्शन क्रिएटेड मैनी क्रेटर लाइक हेलोज एंड क्रेविसेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इतना अभी इस वर्ड को आप जब वॉल्केनो के बारे में पढ़ोगे तो फिर आप ज्यादा जानकार बनोगे इसके बारे में। अभी सिंपल सिंपल इतना जान लो कि जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो पूरे पृथ्वी पे आपके गड्ढे बन गए, और जैसा कि हम जानते हैं उसी वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू आपके वाटर वेपर हुए थे, तो जब आप वाटर वेपर आपके हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जब वाटर वेपर आपके बाहर आए तो उसकी वजह से हुआ कि वो बारिश हुई, जब बारिश हुई तो वो गड्ढे बढ़ने क्या बोलते हैं भरने लगे। जब आपके फिर बाद में हुआ कि जो गड्ढे आपके भरे थे फिर बाद में और बारिश हुई तो वो आपके क्या हुए लेक में बदल गए, और जब लेक थे फिर आपस में कनेक्ट होके जब उनमें लेक के पानी भर गए तो वो पानी बढ़ कनेक्ट भर भर के ऊपर आए और सारे लेक कई लेक कनेक्ट होके आपका समुद्र का फॉर्मेशन हुआ, और जो आपके सारे ऊपरी पार्ट थे वो आज प्रेजेंट शेप में आपके कंटिनेंट हो गए, और जितने आपके सब लेक जो कनेक्ट हुए थे आपस में वो आपके गड्ढे थे वो आपके समुद्र बन गया। तो ये था आपका चैम्बरलिन का कहना कि हमारा जो समुद्र ओशियन था और समुद्र था और कंटिनेंट था उसका विकास कैसे हुआ। और फिर था आपका एक्चुअल जियोलॉजिकल पीरियड, द फाइनल स्टेज वॉज करेक्टराइज बाय द, यानी आप जो पहाड़ देखते हो वो आपके आखिरी में जाके बने थे, फोल्डिंग जो फॉल्टिंग हुआ वो आपके सब आखिरी स्टेज में जाके हुआ था। फोल्डिंग फॉल्टिंग के बारे में मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा, आगे चैप्टर में ये रखा है तो पढ़ाऊंगा, तो उधर से आप ज्यादा जानना, बस यहाँ तक इतना जान लो कि तीन स्टेज में थे आपका जो अर्थ का फॉर्मेशन होता है चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग, तीन स्टेज में फॉर्मेशन है इवोल्यूशन वो तो तीन स्टेज में हुआ था। तब बात करते हैं भैया इवोल्यूशन की, तो अकॉर्डिंग टू मैनी एस्ट्रोनॉमर द प्लैनेटेसिमल वुड हैव कन्वर्टेड इनटू गैसियस मास फ्रॉम सॉलिड स्टेट ड्यू टू एक्सेसिव हीट ऑफ फ्रिक्शन एंड कोलिजन एट द टाइम ऑफ देयर इजेक्शन फ्रॉम द प्रोटोसन that it would have been impossible for them to condense in the form of orbit around the protosun without being diffused violently। यानी कुछ एस्ट्रोनॉमर के मुताबिक ऐसा कहना था कि जब भैया जब क्या बोलते हैं क्या
जब प्रोटोसन से पार्ट प्लेटेस्मल आपके निकले थे तो उसी टाइम उनमें जब टकराव हुआ होगा तो उसी टाइम फ्रिक्शन होकर हीट जनरेट होकर भैया गैस में टर्न हो गए होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वही से कारण उसका कारण क्यों नहीं हुआ उसी कारण वो चेम्बरलिन ने नहीं दिया था, इसीलिए पहला जो आपका रीजन था रिजेक्ट हुआ ये आपकी हाइपोथेसिस वो रहा। दूसरा रीजन था इसका रिजेक्ट होने का अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द साइज आपको जो प्लैनेट थे वो डिपेंड थे द अमाउंट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ प्लैनेटेसिमल अराउंड द न्यूक्लियस, अमाउंट ऑफ प्लैनेटेसिमल अवेलेबल इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट और द अट्रैक्शनल फोर्स ऑफ द सो कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द प्लैनेट। यानी बेसिकली आपका जो प्लैनेट के साइज जो थे वो आपके तीन फैक्टर पर डिपेंडेंट थे। कॉमन लॉजिक है पर सोच के देख लेना, जैसा मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूँ, थस न्यूक्लियस ऑफ एनी ऑर्बिट वुड हैव गेन्ड एनी साइज। यानी भैया ऐसा क्यों हुआ कि हाउएवर द, यानी देखो जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट टाइम में आपके जितने प्लैनेट हैं वो एक सिस्टमेटिक एक ऑर्डर में एक आपके साइज में अरेंज्ड हैं, पर अगर हम चैम्बरलिन की हाइपोथेसिस फॉलो करते हैं तो भैया उस समय जैसा उन्होंने कहा था कि जब आपके प्लैनेटेसिमल और क्या बोलते हैं जब आपके इंक्लूडिंग स्टार के चारों तरफ घूमने लगे थे तो भैया उनमें जो प्लैनेट थे वो किसी भी साइज में हो सकते थे, कोई इनमें परफेक्ट ऑर्डर नहीं होना चाहिए था, कोई बीच में बड़ा हो जाता कोई छोटा हो जाता फिर कोई बड़ा होता कोई छोटा होता, ऐसा होना चाहिए था। पर जब हम प्रेजेंट टाइम का अपने देखते हैं प्लैनेट को तो वो इस तरह से नहीं है, वो एक परफेक्ट ऑर्डर एक क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते एक परफेक्ट ऑर्डर में कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपके अरेंज्ड हैं। तो इसका भी क्या बोलते हैं आपके चैम्बरलिन के पास कोई जवाब नहीं था या कह सकते उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन नहीं किया था। सिर्फ एक सवाल आता है कॉमन सवाल जो अपने पिछले हाइपोथेसिस और पिछले हाइपोथेसिस में भी सुनते हैं कि व्हाई ओनली 9 प्लैनेट्स वेयर फॉर्म व्हाई नॉट मोर और लेस। देखो ये 9 प्लैनेट की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपका प्लूटो को भी इंक्लूड कर रखा है, इसलिए यहाँ 9 प्लैनेट्स की बात हो रही है। ताकि व्हाई ओनली 9 प्लैनेट्स वेयर फॉर्म देखो ठीक प्लस फोर्थ अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस। तो ये जो तीसरा था आपका इसका भी जवाब भैया आपका चैम्बरलिन पास नहीं था। आप देखो जब उन्होंने कहा कि जो प्लैनेटेसिमल को इसको फॉलो कर गए कुछ आपके ऑर्बिट बना के घूमने लगे इंक्लूडिंग स्टार पर, तो भैया सिर्फ 8 ही जो ऑर्बिट क्यों बनाए थे उन्होंने और क्यों ऑर्बिट नहीं बनाए कि 10 क्यों नहीं हो गए 12 क्यों नहीं सिर्फ 8 क्यों बनाए, उसका जवाब भी इनके पास नहीं था। प्लस चौथा था अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द प्लैनेट ऑलवेज रिमेंड इन सॉलिड स्टेट बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्लैनेट ऑफ आउटर सर्कल विच आर गैसियस इन स्टेट। देखो आउटर सर्कल के इनर सर्कल प्लैनेट क्या होते हैं मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, और एक और बात इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब तक आप चीज़ों को एक साथ लेके नहीं पढ़ते एक साथ कनेक्ट करके नहीं पढ़ते ना चीज़ें समझ नहीं आती। देखो अगर आप सीधे इस क्या बोलते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन के बारे में सीधे पढ़ने आए होंगे तो आप ये जानोगे नहीं भैया कि आउटर सर्कल प्लैनेट क्या होते हैं इनर सर्कल प्लैनेट क्या होते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एक लाइन वाइज भैया बुक लिखता है राइटर वो खुद सोच के लिखता है लाइन वाइज पढ़ा करो एक साथ पढ़ा करो। तो आपके आउटर सर्कल प्लैनेट बेसिकली आपके जो सारे प्लैनेट होते हैं सोलर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक आपके इनर सर्कल के होते हैं आपके आउटर के होते हैं। इनर वाले अभी इतना जान लो वो सॉलिड में होते हैं, आउटर वाले आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो जब जैसा कि हम हाइपोथेसिस का जब पढ़ रहे थे इसकी तो उन्होंने कहा कि आप सारे सॉलिड स्टेट में थे उनमें कोई गैसियस स्टेट में नहीं था, पर प्रेजेंट टाइम पे जब देखते हैं अपने सारे प्लैनेट्स के आउटर सर्कल के तो आप ही गैसियस स्टेट में हैं, उसका भी उन्होंने चैम्बरलिन ने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर पांचवा आता है द इनफिनाइट स्पेस ऑफ द यूनिवर्स मेक्स सच अ क्लोज एनकाउंटर बिटवीन द स्टार टू रिमोट पॉसिबिलिटी। यानी भैया एक ये तो इनकी जो हाइपोथेसिस शुरुआत कह सकते हैं वो गलत थी भैया। चलो भैया हम इतना ही मान लेते हैं उन्होंने कहा कि दो बॉडीज प्रेजेंट थी, फिर आपको इतना बड़ा भैया यूनिवर्स है इनफिनाइट कहाँ तक प्रेजेंट पता है किसी को नहीं पता कहाँ तक ये आपकी यूनिवर्स है, मतलब जहाँ तक चलते जाओ वहाँ तक भैया आपकी यूनिवर्स फैली हुई है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि आप सिर्फ दो ही बॉडीज के बीच में ऐसा क्या होता है कि आपके प्रोटोसन आ जाती है इंक्लूडिंग स्टार आ जाता है उनके बीच में कोलिजन होता है, कोलिजन में नहीं होता वो बस आपके पास होकर गुजर जाती है, ऐसा क्यों होता है इसका जवाब मतलब कह सकते हो भैया सिंपल सी बात कि इनको जो हाइपोथेसिस शुरुआत की थी वही गलत थी। पर इसकी इम्पोर्टेंस आ जाती है कि ये आपके पहले चैम्बरलिन आपके पहले थे कह सकते हैं एक तरह से
जो ड्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट को लेकर शुरुआत की थी, ड्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। प्लस ये इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताई थी यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ द, क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में बताया थी। इससे पहले जो हाइपोथेसिस पढ़े थे जिन साइंटिस्टों के, जियोग्राफर के बारे में पढ़े थे, उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ ये बताया था आपका कि हमारे जो प्लैनेट थे उनकी उत्पत्ति कैसी हुई थी। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि देखो यार मेहनत लगता है आपको ये पीपीटी बनाने में। इस समय मैं रात के लगभग क्या बोलते हैं आपके 12:47 हो रहा है, इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेहनत लगता है यार, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना। और एक और बात क्या बोलते हैं आप, मुझे अभी पता है कि मैं आपको पूरी तरह से बढ़िया से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे फीडबैक दे दिया करो जब आप वीडियो देखा करो लास्ट में, कि मैं और अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, ताकि मैं आप लोग के लिए और बेहतर कंटेंट ला सकूँ और बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।